कोई लेटर भी देना लेना है। खरा 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 हो जाइए, खरा बंद करो। मुर्दाबाद। टीएमसी सांसद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। सांसद केडी सिंह मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। सांसद केडी सिंह मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। सर किस लिए यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं? सर हम लोग धरना प्रदर्शन इसीलिए दिए हुए हैं, यहाँ पर हम लोग का पूरे बिहार का 2 लाख इन्वेस्टर का पैसा जमा है एल्कमिस कंपनी में, जिसके चेयरमैन कन्वरदीप सिंह हैं, जो पूर्व सांसद थे आपको झारखंड और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के। हमारे सारे गरीबों का पैसा यहाँ पर डिपॉजिट है और हम लोग जो भी काम किए थे वो 1956 एक्ट के मुताबिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद आपको सेबी में भी लिस्टिंग कंपनी थी, इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम को हम लोग अच्छी तरह से समझे बुझे थे। लेकिन उसके बाद केडी सिंह जब हम लोगों की मैच्योरिटी होने की बात आई तो वह मैदान छोड़ के भाग गया, वो पैसा नहीं देना चाहता है। हमारे फेवर में कलकत्ता हाईकोर्ट का डिसीजन भी हुआ है, पटना हाईकोर्ट का भी डिसीजन हुआ है। उन लोगों का कहना था कलकत्ता हाईकोर्ट का पेमेंट आप तालुकात कमेटी के द्वारा मिलेगा, उसको फंड देना था केडी सिंह को, लेकिन केडी सिंह कुछ फंड ही दिया, मतलब जो हमको फंड मुहैया करा जो कराई थी कलकत्ता हाईकोर्ट ने, उस हाईकोर्ट के डिसीजन को भी केडी सिंह अवहेलना किया। जितना पैसा उसने कहा था देने के लिए उस पैसा को केडी सिंह नहीं दिया और आज पूरा बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में 4 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता इससे जुड़े हुए हैं और इन्वेस्टर भी जिनका पैसा इसमें डिपॉजिट है। सर गड़बड़ हो जाएगा। तो सर आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि हमको जितना पैसा डिपॉजिट है, हमको जितना मैच्योरिटी हुआ है, सारे इन्वेस्टर को पैसा वापस करें। ये मांगे कब तक यहाँ धरना पे बैठे रहेंगे? हम लोग जब तक यहाँ धरना देंगे जब तक वो पैसा नहीं देंगे। अभी हमारा प्रोग्राम आपको नवंबर 21 है, दिसंबर 21 है, जनवरी 21 है। हम पूरे हिंदुस्तान के लीडर को यहाँ एकत्रित करेंगे केडी सिंह के विरुद्ध में और हम लोग डिसीजन लेंगे। यहाँ पर हम लोग का अगला प्रोग्राम है पुतला दहन करने का, हम लोग रैली निकालेंगे, हम उसके बाद दिल्ली को प्रस्थान करेंगे, केडी सिंह का घेराव करेंगे, केडी सिंह से पैसा हम लोग लेकर रहेंगे। और हम बिहार सरकार से यह निवेदन करते हैं, बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब यहाँ पर पैसा जमा हो रहा था, आप तो मीडिया के आदमी हैं, आप जानते हैं कि यहाँ एक दुकान भी खुलता है तो उसको लाइसेंस मिलता है। जब इतनी बड़ी कंपनी हमारा SP वर्मा रोड में खुला, वो एकदम डाक बंगला रोड के बगल में है, एक जेवीसर रोड के बगल में है, चीफ जस्टिस के बगल में है, मुख्यमंत्री के बगल में है, फिर भी कैसे आदेश मिल गया कि तुम यहाँ ऑफिस खोलो? पूरे DM का पावर होता है कि कोई भी हमारे यहाँ जो पैसा से संबंधित, वित्त से जो संबंधित होता है, फाइनेंस कमिश्नर से ऑर्डर होता है, उसका DM परमिशन देता है, एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर SP ऑर्डर देता है, उन सारे बावजूदों के बाद वहाँ ऑफिस खुला, इसका मतलब है हम लोग को विश्वास था कि अच्छी कंपनी है क्योंकि सरकार के द्वारा ऑर्डर दिया गया है। लेकिन जब वो कंपनी यहाँ से ब्रांच बंद करके चला गया तो सरकार का ही ड्यूटी था, ये कंपनी कहाँ चला गया, कंपनी का ब्रांच क्यों बंद हो गया, सरकार इसमें कुछ अपना सहयोग हम लोग को नहीं दिया। आज ऐसी स्थिति है कि हमारे जितने भी छोटे छोटे कार्यकर्ता इसमें जो काम करते था, आज उसको इज्जत प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहा है,
जो पैसा जिसका जमा है वो व्यक्ति तंग कर रहा है हमारे कार्यकर्ता को। मैं मुख्यमंत्री से यह निवेदन करता हूँ, मैं मुख्यमंत्री से यह मांग करता हूँ बिहार सरकार से कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो ठगे गए हैं, सबसे पहले हमारे कार्यकर्ता ठगा गया, वह जो जमा किया जानबूझ के, क्योंकि रजिस्ट्रेशन था 1956 के एक्ट के रजिस्ट्रेशन को हमारे कार्यकर्ता दिया था, हम दिए थे, आरओसी से जो मिला उसको रजिस्ट्रेशन वो सरकार के द्वारा है, वो इंडिया सरकार का कानून है, वो बिहार सरकार के द्वारा है, फिर भी हमारे कार्यकर्ता को हम बिहार सरकार से यह प्रार्थना करेंगे कि हमारे कार्यकर्ता को प्रोटेक्शन दे, हमारे कार्यकर्ता को बचाव करे, हमारे कार्यकर्ता को इज्जत आबरू जो लूट रहा है उसे बचाना चाहिए। मैं बिहार सरकार से यही अपना मांग करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम वीरभद्र सिंह। किस लिए बैठे हुए हैं? ये धरना का कार्यक्रम हम लोग या प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि एल्केमिस्ट लिमिटेड कंपनी जो NSE और BSE दोनों पे रजिस्टर्ड है, जिनके मालिक KD सिंह है, ये कंपनी ROC से रजिस्टर्ड है, ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से रजिस्टर्ड है और बिहार सरकार से अनुमति मिली हुई कंपनी। ये सारे निवेशक हम लोग ये सारे रजिस्ट्रेशन देखने के बाद हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और यहाँ काम करना शुरू किया। इसमें छोटे छोटे निवेशकों का पैसा, गरीब गुरुआ का पैसा जमा हुआ है, छोटे छोटे सब्जी बेचने वाले, छोटे छोटे 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 ऐसे छोटे छोटे निवेशकों का पैसा है। वो इसलिए निवेश किए थे क्योंकि ये भारत सरकार से रजिस्टर्ड कंपनी थी, लेकिन आज सारा रजिस्ट्रेशन फेल हो गया। सब रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी आज हम लोग 2017 से उस पैसा वापस लेने के लिए, मैच्योरिटी लेने के लिए हम सब लोग आज धरना पे बैठना पड़ रहा है। ये परिस्थिति में आज हम सब लोग भारत सरकार से, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि चूंकि रजिस्ट्रेशन आपने दिया है और आपके कथनानुसार हम सब लोग गरीब जो बेरोजगार लोग हैं वो रोजगार के लिए तलाश में यहाँ काम करना शुरू किए, उनकी आज पैसा वापस न मिलने के कारण उनको आज लोगों जो है थ्रेटनिंग मिल रहा है, उनके ऊपर दबाव मिल रहा है। ये हम आग्रह करते हैं सरकार से और ये धरना पूरे बिहार, पूरे भारतवर्ष, यहाँ दिल्ली से भी लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं, पूरे बिहार भर से लोग आए हुए हैं ये आंदोलन को सफल बनाने के लिए। और आप मीडिया तरफ से भी हम विशेष रूप से कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सरकार तक बात अपनी पहुँचाई जाए। हम सब लोग, क्या नाम हुआ आपका सर? जितेंद्र कुमार हुआ मेरा नाम। हम यहाँ कार्यकर्ता और निवेशक हमारे 7-8 से काम शुरू किए। ये कंपनी 1998 से चल रही है। यह कंपनी 81 की थी, इंडस्ट्रियल ग्रुप की कंपनी थी, इंडस्ट्रियल कानून में इतने पैसा लिया था, जिसकी पढ़ाई कॉमर्स में हम लोग पढ़ते थे, डिवेंचर, प्रिफरेंस शेयर, ये सब। उसका जो रियल एस्टेट आया उसके नाम पर ये लोग बिजनेस किया। यह कंपनी NSE और BSE में लिस्टेड थी, इसलिए हम लोगों ने काम किया। जो कंपनी NSE में लिस्टेड है, BSE में लिस्टेड है, उस पर कैसे नहीं भरोसा करेगा? इसका रोज शेयर आता था मार्केट में, हर दिन पेपर में इसको हम लोग पढ़ते थे, सोमवार से शुक्रवार तक शेयर में। इसके बाद इसका CMD झारखंड मुक्ति मोर्चा का सांसद बन गया राज्यसभा का, इसके बाद TMC ममता बनर्जी के पार्टी का सांसद बन गया कंवरदीप सिंह, KD सिंह। इसने हजारों करोड़ रुपया कलेक्शन लिया और एक कंपनी से 2500 कंपनी को बनाया। अब हम लोग जब विश्वास किए कि कंपनी लिस्टेड है, NSE BSE कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी MCA में है, तो भारत सरकार के सभी विभाग में रजिस्टर्ड है, तो ये सरकार झाल बजा रही थी, क्या कर रही थी जिसके कानून को देखा नहीं गया? और ये साफ नेता का चाल है, सभी कंपनी के पीछे में नेता रहता है, वो राज्यसभा में बैठता है और सब वहां से गंडगोल कराता है, देखता है कि 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, वापस देना पड़ेगा तो वो CBI को लगा देगा, ED को लगा देगा, RBI को लगा देगा, SEBI को लगा देगा। आज उदाहरण देखिए, सहारा इंडिया का 26,000 करोड़ SEBI रखा नहीं दे रहा, आज PACL का पेमेंट है, सुप्रीम कोर्ट से पेमेंट का आदेश है, पेमेंट नहीं हो रहा। हमारे कंपनी को कलकत्ता हाईकोर्ट से आदेश है पेमेंट का, नहीं हो रहा। हमारे कंपनी को पटना हाईकोर्ट से पेमेंट का आदेश है, नहीं हो रहा। तो जनता कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट के बल नहीं मिल रहा है, सब नेता ही लोग इस काम को गंडगोल कर रहा है, कानून में सब जगह उपलब्ध है, उसके बाद हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम हुआ इंद्रजीत मिश्रा, हम लोग पटना से है। 165 करोड़ रुपया हमारे टीम से जमा, 165 करोड़, हजारों करोड़ रुपया जमा है। 10 स्टेट में इसने काम किया, 154 को ब्रांच खोला था हिंदुस्तान में।
ठीक है।